जीडीए 70 का जो पहला कार्यक्रम करने जा रहे हैं उसमें आप सभी का स्वागत है। आज आज के कार्यक्रम में सबसे पहले करण जी हमें शांति पाठ करवाएंगे, उसके बाद परेश भाई सबका वेलकम एड्रेस करेंगे। तो मैं करण जी से सबसे पहले वार्ता करूंगा कि वो एक शांति पाठ या भजन से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करवाए। करण भाई जी नमस्ते, आवाज आ रही है मेरी ठीक से? आ रही है। ओके, आज गुजरात का स्थापना दिन है तो उस निमित्त जो गुजरात का गीत है कवि नर्मद ने लिखा है जय जय गरवी गुजरात, वो गाना मैं आज प्रस्तुत करूंगा। जय जय गरवी गुजरात, जय जय गरवी गुजरात, दीपे अरुण प्रभात, जय जय गरवी गुजरात, जय जय गरवी गुजरात, जय जय गरवी गुजरात। ध्वज प्रकाश से जड़ कसुंबी प्रेम शौर्य अंकित, तू भणव भणव निज संत जी सौने प्रेम भक्ति नीरी, ऊंचे तुज सुंदर जात, जय जय गरवी गुजरात, जय जय गरवी गुजरात, जय जय गरवी गुजरात। उत्तर मा अंबा मा, पूरव मा काली मा, छे दक्षिण दिश मा करंत रक्षा कुंतेश्वर महादेव, ने सोमनाथ ने द्वारकेश ए पश्चिम के राधे, जे सहाय मा साक्षात, जय जय गरवी गुजरात, जय जय गरवी गुजरात, जय जय गरवी गुजरात। नदी तापी नर्मदा जोय, महीने बीजी पण जोय, सुटना शुद्ध रमण ने रत्ना कर सागर, पर्वत ऊपर थी वीर पूर्व जो ते आशीष जय कर, संपे सोए सहुजा, जय जय गरवी गुजरात, जय जय गरवी गुजरात, जय जय गरवी गुजरात। आनंद वाडना रंग ते जय संग, ते रंग थकी पण अधिक सरस रंग थसे सत्वरे मा, सकुन दिसे मध्यान शोभ से वीती गई छे रात, जन भूमे नर्मदा सात, जय जय गरवी गुजरात, 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 भारत माता की जय। परेश भाई
हेलो। हाँ जी, आज के सत्र में मैं हमारे तीन प्रमुख वक्ता है महेश्वरी जी, जो पास्ट हिस्ट्री ऑफ गुजरात के बारे में हमको मार्गदर्शन देंगे और हम अपना एक कर्तव्य देंगे, उनका स्वागत करता हूँ। दूसरे हमारे जो वक्ता है वो भाग्यश झा, जो गुजरात सरकार के अंदर आईएएस थे और गुजरात के बारे में, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर हिस्ट्री ऑफ गुजरात के बारे में हमको एक अच्छा उनका वक्तव्य देंगे। और माननीय रवि कुमार जी है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक जी हैं। रवि कुमार जी गुजरात के अंदर बहुत काम कर चुके हैं, गुजरात के बारे में हमसे भी ज्यादा बहुत कुछ जानते हैं, हमको बहुत मार्गदर्शन भी दिया है। गुजरात के बारे में इतना हम कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रदेश था 5,000 सालों से कि जिनके जो व्यापार धंधे से बहुत प्रसिद्ध था, और धंधे से अफगानिस्तान ईरान तक उनका धंधा व्यापार चल रहा था। गुजरात के अंदर बंदर भी इतने थे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो दरिया दरिया का जो क्षेत्र था वो गुजरात के पास था, तो बंदरों के हिसाब से ये धंधा व्यापार चलता था। और यहाँ पारसी भी आए, यहाँ यहूदी लोग भी आए, यहाँ पे रहे, गुजरात की समृद्धि में वो एक मदद रूप हो गए। गुर्जर ज्ञाति जो यहाँ राज करती थी और यहाँ रहती थी, उनके नाम से ये गुजरात का नाम भी पड़ा है, ऐसा मैं मानता हूँ। और जो यहाँ गुजरात पे आक्रमणकारी आए, तो जो आक्रमणकारी को वो सब जानते हैं, मगर वो आक्रमणकारी को हराने वाली जो महारानी जी थी पाटण के अंदर, वो भी जिन्होंने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था, तो राण की देवी के बारे में भी रवि कुमार जी ने हमको ज्ञात किया था, तो हम उनके आभारी हैं। जो हिस्ट्री गुजरात की हमको पता नहीं थी वो रवि कुमार जी ने हमको बताई। रवि कुमार जी बहुत अभ्यासु हैं, 1964 से संघ के स्वयं सेवक, और उसके बाद अखिल भारतीय स्तर पे आज संपर्क विभाग में काम भी कर रहे हैं। इसराइल के बारे में भी उनका बहुत ज्ञान है और बहुत अच्छी हीरोइज्म इन इसराइल इंडियन हीरोइज्म इन इसराइल का पुस्तक लिखा। ये उपरांत वो वैदिक मैथ्स में, योगा के अंदर, भारतीय रमौतों के अंदर और भारत की सिद्धियों के बारे में सारे विश्व में, वो हिंदू स्वयं सेवक संघ के नाते 45 देशों में उन्होंने प्रवास किए बार बार, और सभी सभी हमारे जो हमारा जो क्षेत्र है, हमारे लोग हैं, उनको भारत के बारे में उन्होंने बताया है। रवि कुमार के आज हम आपका स्वागत करते हैं और हमारा जो सत्र की शुरुआत कर रहे हैं, मैं अनुरोध करता हूँ कि रवि कुमार जी ये शुरुआत करें। धन्यवाद। हाँ, चेंज फॉर यू। धन्यवाद। महेश गिरी जी, अटफर सिंह महेश महेश गिरी जी। पहले महेश जी का रखिए, क्योंकि उनको और 700 सीढ़ी ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ इंटरनेट नहीं है, इसलिए वो नीचे आए हैं और वो गिरनार से ऊपर जाने का है, इसलिए पहले उनका सुनते हैं, बाद में मैं करता हूँ। हाँ, देवांगाई पूरा परिचय दे दीजिए अभी महेश गिरी जी के। जी, महेश गिरी जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी है। वो पूर्व में दिल्ली के, साउथ दिल्ली के सांसद भी रह चुके हैं। वर्तमान में दत्तात्रेय ट्रुक, जिनको अभी रवि जी ने बताया, वहाँ के मठाधिपति है और वहाँ पे वो विराजमान है। उन्होंने हिंदुत्व की अलख जगाने के लिए 2009 से और उसके पूर्व में भी बहुत काम किया हुआ है, और उसकी वजह से एक सौराष्ट्र रीजन में और सूरत में पर्टिकुलरली, वो जहाँ जहाँ पहले उन्होंने सभाएं की थी 2009 में भी, तो लोगों को एक चेतना जागृत हुई थी इलेक्शन के समय में। मैं उनके साथ उस विषय में मैं जानता हूँ कि उन्होंने 2009 में बहुत बड़ा काम महेश गिरी जी ने किया था। अब इतने बड़े आदमी के लिए मैं आगे कुछ कहूंगा नहीं, मैं प्रार्थना करूंगा महेश गिरी जी के, महेश गिरी जी को, कि वो आज का प्रास्ताविक रखे।
महेश गिरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार को मैं नमस्कार करता हूँ और खास महेश जी म्यूट है। महेश जी आवाज नहीं आ रही आपकी। आप वो म्यूट है? नहीं अनम्यूट हो गया है। नहीं महेश जी अनम्यूट हो। थोड़ा रुकिए सर। अनम्यूट। नहीं नहीं वन सेकेंड महेश जी, आप भले वीडियो आप ऑफ करके सिर्फ ऑडियो बोलेंगे तो हम ठीक तरह से सुन पाएंगे। हम समझते हैं आपका सिग्नल थोड़ा ऊपर नीचे है। मुझे पहले मुझे लग रहा है कि महेश गिरी जी के साथ संपर्क हमारा नहीं नहीं वो बात कर रहे हैं, करने दीजिए। गिरी जी गिरनार पे वहाँ नेट प्रॉब्लम आ रहा है। अभी आ रहा है मेरा आवाज? आ रहा है जी जी आ रहा है। मैं सभी महानुभावों को बहुत नमस्कार करता हूँ और गिरी जी जो है अभी अभी और धन्यवाद को महेश जी जरा आप अपने गैजेट के पास आकर बोलिए, आवाज बहुत धीमी आ रही है। गुजरात अभिनंदन बंधु की धरती है जहाँ इस प्रेम और राष्ट्र प्रेम यहाँ पर व्यक्ति को सुनने लगे। प्रेम का मतलब भी आप यहाँ पर बहुत एक व्यक्ति के अंदर रवि जी आप स्टार्ट करिए। अच्छा बिकॉज देयर इज प्रॉब्लम नेटवर्क प्रॉब्लम। ठीक है तो मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सोचने की बात है कि आज के दिन अगर भाषा के आधार पर एक और प्रांत बना, महाराष्ट्र अलग बना और गुजरात बना, तो इसके लिए बहुत कुछ रक्तपात हमको करना पड़ा। बहुत सारे लोगों के खून से ये सींचा गया है जो अच्छी बात नहीं है। इसके ऊपर गर्व कर सकते हैं, ऐसी घटना नहीं है कि भारत के ही लोग एक दूसरे से भाषा के कारण झगड़ते हैं। इन लोगों के ध्यान में आए कि ये हमारे लिए अच्छा दिन नहीं है, इसके लिए मैं बताया कि ये बताना ज़रूरी है। लेकिन उन दिनों में तमिलनाडु जब अलग हुआ, आंध्र प्रदेश अलग हुआ, उस समय भी बहुत सारे तमिल और तेलुगु लोगों ने एक दूसरे को काटा, वहाँ भी रक्तपात हुआ। लेकिन जब झारखंड बिहार से अलग हुआ तब कोई तकलीफ नहीं थी, सब लोग सुधर गए थे तब तक। वैसे ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो कोई रक्तपात नहीं हुआ। तो धीरे धीरे देश में सोच राष्ट्रीय भावना पहले से ज़्यादा है, इसके ये उदाहरण है कि गुजरात कैसे बना और झारखंड और छत्तीसगढ़ कैसे बना, ये ध्यान में रखना।
फिर अभी गुजरात के पास कुछ ऐसे अनमोल चीज है जो दुनिया को आश्चर्य कर सकता है, लेकिन वो हमारे पाठ्यक्रम में गुजरात में ही बहुत कम लोग जानते हैं, भारत में बहुत ही कम लोग जानते हैं और विश्व को मालूम नहीं है। इन चीज़ों को बाहर लाने के लिए यह गुजराती जीनियस है, ताकि लेस नोन अननोन फैक्ट्स अबाउट गुजरात एंड गुजराती पीपल ये लोगों के सामने आना चाहिए। उदाहरण के लिए, दुनिया का सबसे पहला बंदरगाह वेल डेवलप्ड पोर्ट सिटी होगा तो वो लोथल है। फिर बाद में हम देखते हैं कि महाभारत के समय श्री कृष्ण भी मथुरा से द्वारका में आते हैं, तो हाउ एंशियंट गुजरात ये ध्यान में आता है, वो द्वारका में आए थे। और अभी अभी पाठक जी ने बताया कि 1178 में यहाँ की एक रानी थी नायकी देवी, तब मोहम्मद गोरी दिल्ली में जाकर पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के पहले वो आया था तो गुजरात में ही आया था, और यहाँ बहुत भयानक दृश्य से वो हार गया एक महारानी के हाथों से। उस महारानी का नाम है नायकी देवी। उसका बेटा पति के स्वर्गवास के बाद बेटा छोटा लड़का था, इसलिए उसको पीठ में बांध करके शत्रु के साथ लड़ने वाली यानी विदेशी ताकतों के साथ लड़ने वाली पहली महिला यानी झांसी रानी से भी 600-700 साल पहले लड़ने वाली ये बहादुर महिला थी और जीत गई थी। उनकी बेटी कुर्मा देवी वो उदयपुर में विवाह के बाद गई थी, वहाँ भी उसके पति के स्वर्गवास के बाद छोटे से बच्चा उसको पीठ में रखकर उसके समय जब युद्ध करने के लिए आया था कुतुबुद्दीन ऐबक उसको उसने हराया था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि गुजरात की महारानियों ने मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक दोनों को हराया था। साधारणतः बताया जाता है कि गुजराती लोग व्यापार में अच्छे हैं, लेकिन देश के लिए लड़ने वाले गुजरातियों का नाम बताओ, तो पहला ही अध्याय में हमको ये दो महान महिलाओं का नाम आता है। उसी क्रम में श्याम मानेकशॉ का भी नाम आता है, इसी प्रकार से श्यामजी कृष्ण वर्मा का भी नाम आता है। तो इसलिए इन चीज़ों में हम लोग कोई कम नहीं है। कोई व्यक्ति व्यापार में अच्छा है इसका मतलब वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, ऐसा कहना ये तो मूर्खता है। तो ये मैंने सोचा ये आपके सामने आना चाहिए। फिर 1498 में वास्को डी गामा भारत में आया कैसे, उसको भारत का मार्ग खोज रहा था। उसके भी पहले 1492 में भारत का मार्ग खोजते खोजते क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका में पहुंच गया, तो उसने अमेरिका को वेस्ट इंडीज ये नाम दिया क्योंकि इंडिया को खोज रहा था, लेकिन यह भी खोज नहीं पाया, असली में गलत है। वह अफ्रीका में उसके सारे नाव जो है टूट गए थे, तो जिसको हम टोइंग कहते हैं, अगर गलत जगह पर हमने कार पार्क किया तो म्यूनसिपालिटी की एक बड़ी ट्रक आती है और आपके गाड़ी को खींच के ले जाती है रस्सी से बांध के, तो इसको टोइंग कहते हैं। वैसे उनके यूरोप का सबसे बड़ा जहाज को हमारा गुजराती एक कान्हा नाम का आदमी ने रस्सी से बांध कर खींच के लाया, तो आप समझ सकते हो कि गुजरात के पास कितना बड़ा जहाज था कि वो यूरोप के सबसे बड़े जहाज को भी खींच के ले आ सकता है। वैसे ही हम देखते हैं द्वितीय महायुद्ध 1939 फर्स्ट सितंबर को हिटलर ने आक्रमण किया पोलैंड के ऊपर, और पोलैंड में जो यहूदी लोग थे उन सब लोगों को जिंदा कत्लेआम करने लगा, उनको जलाने लगा। तब वहाँ के लोगों ने 900 अपने बच्चों को एक जहाज में बिठाया, कुछ महिलाओं को एक जहाज में बिठाया, आप लोग यहाँ से भाग जाइए। तो वो शरणार्थी के नाते वहाँ से फ्रांस में, वहाँ से इंग्लैंड में, वहाँ से अफ्रीका के इजिप्ट में और खाड़ी देशों में अरब देशों में शरणार्थी के नाते भीख मांग रहे थे कि हमको जगह दीजिए जगह दीजिए। सब ने उनको धक्का मार के निकाल दिया कि आप हमारे यहाँ मत आइए मत आइए मत आइए। तब जाम साहेब दिग्विजय सिंह जामनगर के जो महाराजा थे उनको यह पता चला
तो उनको संदेश, उन्होंने संदेशा भेजा कि आप सीधा मेरे यहाँ आ जाइए। तो वे लोग बम्बई में आए और बम्बई में उनको जब लेने के लिए गए तो अंग्रेजों ने कहा कि इनका आपका कोई संबंध नहीं है, ये यहाँ नहीं आएंगे। तब उन्होंने बताया कि इन सारे बच्चों को और वहाँ उनके साथ जो आए हुए महिला हैं, इन सबको मैं गोद लेता हूँ, मैं अपने बच्चों का के नाते उनको स्वीकार करता हूँ। तब उन्होंने एक पंडित जी को बुलाया और सब लोगों को दत्तक लिया। वैसे ही कोल्हापुर के राजा ने भी कहा कि मैं भी लेता हूँ, लेकिन अधिकांश लोगों को जामनगर के जाम साहेब ने लिया था। विश्व के इतिहास में इस प्रकार का एक घटना आप देख नहीं सकते हो। सारे लोगों ने कह दिया कि हम इनको नहीं लेंगे, हमें डर लगता है। तब इन्होंने इनको आश्रय दिया और जब उन्होंने दत्तक लिया है तो इसका मतलब है कि उनको राजमहल देना चाहिए। तो अपना एक राजवाड़ा है उसको खाली करके उनको दे दिया, आप सारे बच्चों को यहाँ रखिए। किसी का भी धर्मांतरण नहीं किया और सारी सुविधा देकर बताया कि आप अपने बच्चों को वही भाषा सिखाइए जो तुम्हारी मातृभाषा है, वही धर्म सिखाइए तो तुम्हारा धर्म है। इसलिए आज जाम साहेब के नाम पर पोलैंड में उनका जो मुख्य शहर है वारसा में कई चिन्ह उन्होंने मेमोरियल बनाए हैं। उनको शिक्षा में बहुत प्रेम था, इसलिए वहाँ के कई स्कूलों के नाम भी जाम साहेब के नाम पर है। यह भी विश्व को आश्चर्य करने वाला एक आश्चर्यचकित एक घटना है। वैसे और भी बहुत सारे घटनाएं मैं छोड़ देता हूँ, एक घटने पे आकर मैं बताता हूँ। 2003 में हमारे द्वारका के पास मछुआर लोग एक विशेष प्रकार के मछली को पकड़ते हैं, उसको कहते हैं ब्लू व्हेल। ये मछली क्या है कि दुनिया भर में घूमती रहती है साल भर, लेकिन अंडे देने के लिए केवल द्वारका में आते हैं। जो माँ है वो बहुत आकार में बड़ी होती है, कुछ टन उसका वजन होता है, 5-6 टन या शायद 10-15 टन। तो इतने बड़े मछली को पकड़ने के लिए सब लोग वहाँ चले जाते हैं। यानी एक मछली को भी पकड़ लिया तो आपको साल भर का जो कमाई है उससे ज्यादा कमाई मिल जाता है, ऐसा सोचकर इसका सब लोग मारते थे। तो पर्यावरण के दृष्टि से खराब है ऐसे सरकार ने बताया, ऐसे विदेशी संस्थाओं ने बताया, यूनाइटेड नेशन ने बताया कि आप इनको मत मारिए, लेकिन कोई परिणाम नहीं हुआ। तब हमारे यहाँ जो कीर्तनकार है मुरारी बापू, वो वहाँ गए और मछुआर समाज के सामने उन्होंने विषय रखा कि माँ बच्चे को जन्म देने के लिए अपने माँ के आती है, यानी अपने मातृभूमि में आती है, अपने माँ के पास आती है। दुनिया भर में रहने वाले ये मछली भारत माता को, खास करके द्वारका को अपनी माँ समझकर माँ के घर जब आते हैं, क्या उसको मारना ठीक है? इनके ये वाक्य लोगों के मन परिवर्तन किया। जो काम सरकार नहीं कर सका, जो काम विश्व के बड़े बड़े नेतागण नहीं कर सके, हमारे मुरारी बापू के कारण से इन्होंने 5,000 लोगों ने समुद्र के तट पर यह शपथ लिया, न हम इनको मारेंगे न किसी को मारने देंगे। इस प्रकार से एक नया इतिहास में रचना बनी है। ऐसे गुजरात के कुछ विशेष चीज़ों को लोगों के सामने लाना चाहिए। श्यामजी कृष्ण वर्मा जब इंग्लैंड में थे तो उनके घर में ही, उनके भवन में ही महात्मा गांधी रुकते थे, वीर सावरकर रुकते थे। जो जो इंग्लैंड में पढ़ने के लिए जाते थे उन सब लोगों के लिए जगह था इनका घर। इसलिए इनके पर मुकदमा चला, इनको पकड़ने के लिए आए थे तो वो वहाँ से वो पेरिस गए। लेकिन जब वे इंग्लैंड में थे तब उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को पैसा दिया, जब वो पेरिस में रहते थे तो पेरिस यूनिवर्सिटी को जगह दिया। जब पकड़ने के लिए पेरिस में पुलिस आ गई थी तो वहाँ से वो जिनेवा चले गए स्विट्जरलैंड, और वहाँ लीग ऑफ नेशंस का हेडक्वार्टर्स था, उनको भी उन्होंने पैसा दिया। इतना बड़ा एक दानशूर आदमी आप शायद नहीं देख सकते हो। लोग बिना कारण बिल गेट्स का नाम लेते हैं, जबकि आज की तारीख पर बिल गेट्स ने बताया कि भारत को हमने ये वैक्सीन देना नहीं चाहिए,
क्योंकि ये हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, आप पैसा दीजिए और हम खरीदिए, हम आपको टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, कहने वाला अपने आप को दानशूर कहता है, क्योंकि हम अपनी आवाज़ नहीं उठाते हैं, हम हमारे लोगों के बारे में बताते नहीं हैं। 1971 का युद्ध फील्ड मार्शल सैम मैनेकशॉ के बिना हम जीत नहीं सकते हैं, यह भी किसी ने यहाँ आकर बताना चाहिए कि सैम मैनेकशॉ का क्या स्ट्रैटेजी था, कैसे वो जीते और कैसे उन्होंने इंदिरा गांधी को भी यानी उनके कई शब्दों को उनको नकारना पड़ा, तो इनके पास वो हिम्मत थी कि कहने के लिए कि मैडम यू आर रॉन्ग, यह कहने के कारण ही जीत सके, ये भी बताना जरूरी है। वैसे विदेश से कई लोग आए हैं यहाँ, इंग्लैंड से भी आए हैं, युगांडा से आए हैं, कनाडा से आए हैं। एक बार बताता हूँ कि जहाँ भी गुजराती गए हैं तो उनके बारे में क्या कहते हैं, ये छोटा सा एक दुकान शुरू करते हैं जिसको मोटेल कहते हैं, फिर बड़ा हो जाता है तो उसको कहते हैं होटेल, और करने वाला पटेल, इसलिए कहते हैं कि होटेल मोटेल और पटेल। युगांडा से जब इनको हटा दिया था तो ये लोग इंग्लैंड में शरणार्थी के नाते आए, ये सब 1960-70 के दशक में। उस समय एक ही एक कमरे का घर लेते थे, कमरे में एक पर्दा डालते थे, पर्दे के सामने वो कुछ फल कुछ दूध वगैरह का दुकान शुरू करते थे और पर्दे के पीछे अपना घर संसार चलाते थे। 8 घंटे महिला काम करती थी दुकान में, 8 घंटे पुरुष काम करता था, ऐसे वो लोग छोटे छोटे मार्केट छोटे छोटे दुकान शुरू किया। आज इनके पास बड़े बड़े सुपरमार्केट है। हमारे बीच में भी एक सज्जन ऐसे ही आए हैं जो शरणार्थी के नाते इंग्लैंड में गए, भरत भाई यहाँ आए हैं और धीरे धीरे वहाँ के रियल एस्टेट में बहुत सारे भवन बहुत सारे घर उन्होंने खरीद लिया है। ये गुजरात के लोगों जहाँ भी गए हैं आपको दिखाई देता है कैसा इनका। एक बार प्रिंस चार्ल्स को वहाँ के इंग्लैंड के लोगों ने एक बड़े सुपरमार्केट को इनॉग्रेट करने के लिए बुलाया, तब उन्होंने कहा देखो ये सुपरमार्केट को आप मुझे बता रहे हो कि इसको उद्घाटन करना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि छोटे से घर से शुरू करते हुए मार्केट और सुपरमार्केट और हाइपरमार्केट तक ये गुजराती लोग जाते हैं, और हमारे अंग्रेज लोगों की ये है कि बड़े सुपरमार्केट से शुरू करते हैं और 20 साल के अंदर एक झोपड़ी में आके बैठ जाते हैं। कम से कम इसका ये गारंटी तो दो कि मेरे कालखंड में ये तुम्हारा सुपरमार्केट डूबेगा नहीं, इसका गारंटी होगा तो मैं आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। ये हमारी ख्याति है कि भारतीय लोग कहाँ भी जाते हैं कैसे पहुँच जाते हैं। आप सब लोग सुनीता दीपक पंड्या का नाम जानते होंगे, कई लोगों को सुनीता दीपक पंड्या मैं कहता हूँ तो समझ में नहीं आता है, सुनीता विलियम्स कहने के बाद समझ में आता है। क्या है कि सुनीता विदेश में कोई भी महिला की पहचान उसके पिता के नाम पे होता है, क्योंकि पति शादी होती है कुछ दिनों के बाद डाइवर्स होता है, फिर दूसरी शादी होती है, तीसरी शादी होती है, इसलिए पति का नाम बदलते रहेगा तो उनको पासपोर्ट बदलना पड़ता है, पिता का नाम बदलेगा नहीं, इसलिए उनका पिताजी का नाम था डॉक्टर दीपक पंड्या। तो सुनीता दीपक पंड्या से एक बार पूछा कि आप अंतरिक्ष में इतने साल इतने महीने तक रहे, 6 महीने, आपको डर नहीं लगता था, अकेले थे? तो बोले कि डर कैसा, जब मैं गई थी तो मेरे साथ मैंने गणेश जी की मूर्ति लेकर गई और मैं भगवद गीता मेरे साथ में था, जिसके पास गणेश जी है और भगवद गीता है उसको कौन सा डर है, कहने वाली इसका जन्म ही विदेश में हुआ है सुनीता पंड्या, तो तुमको ये सब ज्ञान किसने दिया? तो बोले कि मेरे पिताजी डॉक्टर दीपक पंड्या ने दिया। और वैसे ही हम देखते हैं कि इस कोविड के महासंकट में महामारी के समय इंग्लैंड में जो बड़े हैं वहाँ के युवराज चार्ल्स वो आईसीयू में पड़े थे कोविड के कारण, और उन्हीं दिनों में वहाँ के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी आईसीयू में थे। उस समय देश को कौन संभाल रहा था? एक गुजराती बहन और एक पंजाबी लड़का, उनका होम मिनिस्टर जिसके हाथ में पूरा यूरोप पूरा इंग्लैंड का कमान था वह थी प्रीति पटेल, आगे चलकर कभी वो वहाँ की प्रधानमंत्री भी बनेगी, और उस समय फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि दो ही डिपार्टमेंट काम कर रहे थे कोविड के समय,
और फाइनेंस मिनिस्टर उस समय ऋषि सुनक, ये एक पंजाबी लड़का। तो आप समझ सकते हो कि विदेश में जाने के बाद भी हमारे गुजरातियों ने भी भारत का नाम रोशन किया है। जहाँ भी गए वहाँ उन्होंने गरबा को नहीं छोड़ा है। वो फिजी में गए, वो केनिया में गए, युगांडा में गए, सब जगह पर उन्होंने, इंग्लैंड, अमेरिका, ऐसे प्रगतिशील देश में भी, तो उन्होंने अपनी एक छाप गरबा के नाते भी बनाया है। और अफ्रीका के अनेक देशों में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसमें कई गुजराती लोगों का नाम आता है। वैसे फिजी के स्वतंत्रता संग्राम में भी पटेल जी का नाम आता है। ऐसे गुजराती लोग जहाँ भी गए उस देश की भी सेवा की है, भारत माता की एक जो छवि है उसको भी रखा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय गुजरात। मैं को विनती करूंगा कि वो एक जो गुजरात का बहुत फेमस भजन है वो सुनाए। रवि भाई कुशवाहा। रवि भाई थोड़ा परिचय दे देंगे बाद में, बोले तो खुद परिचय दे देंगे। हाँ देवंग भाई, हाँ अपने भजन तुम्हारा परिचय आज वे वीडियो ऑन करो। वीडियो रवि भाई खुश हो वाले से आवाज आवे छे। हां रवि भाई आवे छे, थोड़ा मोटे थी बोल। हां रवि कुशवाहा ना छे, कर्णावती स्मार्ट संघ नो स्वयं सेवक छे अहमदाबाद। अब सांभळो। हां वैष्णव जन तो तैन रे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तैन रे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन तो तैने रे कहिए जे पीर पराई जाने रे। सकड़ लोक मां सहुने वंदे निंदा न करे के नीरे। वाच काछ मन निश्चल राखे, वाच काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तैनी रे। वैष्णव जन तो तैने रे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी पर स्त्री जेने मात रे। जिह्वा थकी असत्य न बोले, जिह्वा थकी असत्य न बोले, पर धन नव झाले हाथ रे। वैष्णव जन तो तैने रे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे। राम नाम सू ताड़ी रे वागी, राम नाम सू ताड़ी रे वागी, तकड़ तीरथ तेना तन मारे। वैष्णव जन तो
तैने रे कहिए जे पीर पराई जाने रे वण लोभी ने कपट रहित छे क्राम क्रोध निवार्या रे भणे नर सैयो तेनु दर्शन करता भणे नर सैयो तेनु दर्शन करता कुड़ इको तेर तार्या रे वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीर पराई जाने रे पर दुखे उपकार करे तोए पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान न आने रे वैष्णव जन तो तेने रे कहिए भारत माता की जय। धन्यवाद रवि भाई। अभी इस कार्यक्रम सेलिब्रेशन ऑफ गुजरात हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं और आज के दूसरे वक्ता श्री भाग्येश भाई जा ऐसा व्यक्तित्व है जो अंग्रेजी संस्कृत और गुजराती का जहां संगम होता है वो है भाग्येश भाई। दिल से कवि है, तालीम से ब्यूरोक्रेट है, दृष्टिबंध वहीवट करता भी है। उनका सहज हास्य रहता है, हम कभी भी मिलते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बहुत सहजता से वो समझा देते हैं हास्य के रूप से। मतलब एक ऐसा व्यक्तित्व जहां जिसके बारे में मेरे लिए शब्द कम है। वो आप आईएएस सेवानिवृत्त आईएएस ऑफिसर भी है, गुजरात साहित्य अकादमी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, आपको 2015 में अवार्ड भी मिल चुका है अच्छे वहीवट करने के लिए। तो एक ऐसा व्यक्तित्व जो हृदय से कवि है, कविता लिखते हैं, गद्य भी लिखते हैं और साथ साथ ब्यूरोक्रेट भी है, अच्छे वहीवट करता भी है। मैं भाग्येश भाई के साथ थोड़ा बहुत काम करने का मुझे सौभाग्य जब जब भी प्राप्त हुआ है वो इंस्पिरेशन है हमारे सबके लिए। तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि सेलिब्रेशन ऑफ गुजरात हिस्ट्री इस विषय पे आप हमें आज का प्रासंगिक बताए। माननीय श्री भाग्येश भाई जा। वागर्थौ इव संपृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। एम आई ऑडिबल? मैं इस आप सुन सकते हैं ना? यस मेरा आवाज पहुंचता है ना, क्योंकि मैं गुजराती हूं तो आवाज तो पहुंचनी है चाहिए पूरे विश्व में। भाई क्लियर आवाज है जी। तो पहले तो रवि जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ा विषय हमारे सामने रखा है और जगन्नाथ जी ने जो सबको मोटिवेट किए, आज इतने लोग जुड़े हैं, उनकी जो मेहनत है उसकी भी मैं अभिनंदन करता हूं। देवांग भाई तो हमारे हृदय के साथ जुड़े हुए व्यक्ति है, उन्होंने मेरे परिचय में जो बताया हास्य हास्य, तो गुजराती लोग तो हंसने के लिए ही बहुत प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में जहां भी जाते हैं वहां गरबा ले जाते हैं, कारण कि उनको नाचना है, उनको डांस करना है, उनको लाइफ एंजॉय करना है। और मैं पहले हास्य से ही शुरू करूं तो गुजराती लोग ऐसे हैं जो जब कभी कभी वैकेशन लेते हैं तो इफ दे गो फॉर ए वैकेशन फॉर 10 days, आफ्टर कमिंग दे टेक 3 days टू टेक रेस्ट बिकॉज दे आर टायर्ड ऑफ वैकेशन। सो ये एक गुजराती विशेषता है, आराम के बाद भी आराम कर सकते हैं। तो ऐसे गुजरातियों की बात करना, ऐसे जीनियस गुजरातियों की बात करना, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। और मैं मानता हूं कि जगन्नाथ जी और रवि जी को मेरी प्रार्थना है कि आज की बात ये शुरुआत रखे, क्योंकि इतने जीनियस है। मैंने आज सुबह में सोच रहा था कि किस दो लोगों का मैं बात बताऊं, इतने लोग हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतना बड़ा काम किया है,
जैसे कि नासा वैज्ञानिक है, जब वॉशिंगटन का पूरा फाइनेंस डाउन हो गया था और कैसे उसका फाइनेंशियल सॉल्यूशन मिले, इसके लिए सौराष्ट्र का एक नटवर गांधी करके, दूसरा गांधी देश के, दिस इज द सेकंड गांधी, वो नटवर गांधी, ही हैज बिकम ए सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ वॉशिंगटन डीसी, और उन्होंने पूरा टर्न अराउंड किया है। कमलेश लूला है जो नासा में, मैंने बताया, आपने बताया सुनीता विलियम्स, सुनीता विलियम के फादर दीपक पंड्या जब बच्चे थे, उनको मेरे दादा ने, हमारे गांव के है, उत्तर गुजरात के नारदीपुर गांव से हूं, अपने गांव में उनको जो हमारी जो कम्युनिटी है नागर ब्राह्मीण, उनमें दीपक पंड्या को लाए गए थे। ही वॉज किडनेप्ड बाय समवन, और जब उनको लेके हमारे पूरे मोहल्ले में उनको बड़ा किया, बाद में उनको बंबई ले गए और पढ़ाया। जब सुनीता विलियम्स भारत में आई थी तो वो खास विजिट करने आई थी और उनको बताया था कि कहां उनके पिताजी को रखा गया था, बारी बारी से सब नागर गृहस्थों के घर में रखा गया था। तो ये गुजरात की इतनी बड़ी संस्कृति है, इतना बड़ा इतिहास है, इतने बड़े लोग है, एक एक छोटे छोटे गांव में है, छोटे छोटे गांव में बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, जो गांधी प्रिंसिपल्स पर जीवते हैं, जो कोई सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, जैसे मुरारी बापू की आपने बात की, मुरारी बापू जहां रहते हैं तलगाजेड़ा गांव, कितना छोटा गांव है, लेकिन सनातन धर्म के लिए उन्होंने कितना बड़ा काम किया है। ऐसे तो इतने जीनियस है। तो मैं जगन्नाथ जी को और रवि जी को प्रार्थना करूंगा कि 3 महीने या 6 महीने में एक ऐसी गोष्ठी रखो और हम गुजराती जो जीनियस है उनकी बात करेंगे। आज तो गुजरात गौरव दिन है, गुजरात के स्थापना दिवस है, और मैं एज देवांग भाई ने बताया, आई एम प्रिविलेज्ड कि मैं आई वॉज कलेक्टर बड़ौदा एंड 2002 में गुजरात गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड कि द फर्स्ट मे शुड बी सेलिब्रेटेड इन ए बिग वे। नरेंद्र भाई मोदी साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने मुझे फोन किया कि भाग्यश हम बड़ौदा को सिलेक्ट करते हैं, दो कारण है, एक तो आप वहां के कलेक्टर है और बड़ौदा संस्कारी नगरी है, तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो हमने पहली बार अब तक गुजरात गौरव दिन का सेलिब्रेशन 2000 रुपये की ग्रांट में होता था, 3 लोग इकट्ठे होंगे और वैष्णव जन गाएंगे, जय जय गरवी गुजरात गाएंगे और हो गए। पहली बार इन 2003 लाख पीपल गेदर्ड इन बड़ौदा टू सेलिब्रेट गुजरात गौरव दिवस, गुजरात स्थापना दिवस, जिसका नाम नरेंद्र भाई ने दिया था गुजरात गौरव दिवस। तो हमने गुजरात गौरव दिवस के दिन जय नर्मद का जो गीत है उनका पुनस्थापन किया। गुजरात के 251 सिंगर्स सेंग टुगेदर जय गरवी गुजरात, और जैसे रवि जी ने बताया कि गुजराती जहां जाते हैं वहां कैसा वातावरण खड़े कर देते हैं, गुजराती की ये ताकत है। वो मैं एक बार, आज जिनका निधन हुआ एल मानसिंह, जो बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट, बहुत डायनेमिक, तो हम साउथ अफ्रीका गए थे, तो साउथ अफ्रीका में कोई जंगल में हम गए तो बोले यू आर इंडियन, हमने बोला या, तो बोले कि इंडियन शॉप है वहां। तो हम घूमते 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 इंडियन शॉप में गए तो वहां देखा तो गुजराती कैलेंडर था, तो मैं समझ गया, मैंने बोला जय श्री कृष्ण आप क्या थी छो, एटले के हम यार थी छे, ने पछी तो उन्होंने चाय बनाई और गुजरात के टिपले। गुजराती लोग जहां जाते हैं वहां अपना फूड ले जाते हैं, अपनी भाषा ले जाते हैं, और संस्कृति का रवि जी आप जानते हैं कि मैंने जो एक कैप्सूल बनाया है कि गुजराती क्या, कोई भी कल्चर में 5 व होते हैं, भजन, भोजन, भ्रमण, भाषा और भूषा,
संस्कृति के ये पांच एलिमेंट होते हैं कि हम भजन भी रखते हैं वहां गुजराती, भोजन भी गुजराती, भ्रमण भी गुजराती, भाषा भी गुजराती और भूषा भी गुजराती। तो ये गुजराती जहां भी जाते हैं, आप कहीं भी जाओ, मेरा तो अमेरिका से बहुत बड़ा संबंध है क्योंकि मेरी पुत्री वहां रहती है, मेरा जामाता ही इज ए वेरी बिग कॉर्पोरेट मैन, ही इज अ रीजनल डायरेक्टर इन अमेरिका, एंड मैं अभी इंटरनेशनल हिंदू यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा में भगवत गीता पर PhD कर रहा हूँ। तो मैं बहुत वेस्टर्न फिलोसोफर से भी बात कर रहा हूँ और जान रहा हूँ और मैं बता भी रहा हूँ कि भाई भारत का थिंकिंग प्रोसेस कैसा होता है, भारतीय संस्कृति क्या है। तो आज तो बहुत हमारा समय का अवधि बहुत कम है, तो भी मैं थोड़ी बात बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ए बिजनेस तो करते हैं गुजराती लोग, बट गुजराती बिजनेस एंड अमेरिकन बिजनेस में क्या क्या तफावत है। तो अमेरिका में और वेस्टर्न वर्ल्ड में पीपल हैव शुद्ध लाभ, प्योर प्रॉफिट, शुद्ध लाभ, और है तो शुभ और लाभ, शुभ भी होना चाहिए, लाभ भी होना चाहिए। तो कोई गुजराती पूजा करेगा तो अपने अपने दिवाली के दिन लिखेगा शुभ और लाभ, शुभ भी होना चाहिए और लाभ भी होना चाहिए, केवल लाभ नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए देखो आज गुजरात में, गुजरात के जो लोग विदेश गए हैं, आज मैं गणपत भाई का बताने वाला हूं और दिनेश ओशाह, दो महान व्यक्तियों का आज मैंने चयन किया है। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट थी, अब मेरे सुबह में मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था, मैं राहुल शुक्ला बताऊ या बच्चू भाई देसाई का बताऊ या नटवर गांधी का बताऊ या पन्ना नायक का बताऊ, कितने कितने लोग हैं, प्रीति पटेल है जैसे कि, और लंदन में भी कितने लोग हैं, आईजी पटेल के भाई खुद वॉशिंगटन में है, वॉशिंगटन में भी बहुत लोगों के साथ मैंने वॉशिंगटन में अभ्यास किया है इंटरनेशनल मार्केटिंग का, तो वॉशिंगटन में आई नो ऑलमोस्ट ऑल गुजराती आई कैन से, और पूरे अमेरिका में मैं घूमा हूँ 2018 में, और अमेरिका के 11 शहरों में मैंने भगवद गीता, श्री कृष्ण, गुजराती संस्कृति इस सब का प्रचार किया है। तो मुझे बराबर परिचय है कि कैसे ये लोग जीते हैं, कैसे अपना अपना स्थापना कर देते हैं, अपने नाम की, अपने बिजनेस की, कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं, इसका तो बहुत बड़ा जिक्र करना टाइम लगेगा। लेकिन जैसे कि गीत में बताया कि तू भणव भणव नीत संस्कृत, तू तेरी संतति को भणव भणव निज संतति सौने प्रेम भक्ति निरीत, ऊंची तुझ सुंदर जात, जय जय गर्वी गुजरात। जय जय गर्वी गुजरात, नरेंद्र ने सबको आह्वान दिया था, सब साहित्यकारों को, कि आप भी कुछ ऐसा लिखो, नर्मद ने लिखा तो बराबर है लेकिन आप भी लिखो। तो मैंने भी एक बहुत बड़ा गीत किया है, बहुत प्रसिद्ध हो गया है चारों ओर, इसका तो संस्कृत वर्जन भी हुआ है, जय तू गुजरातम जय तू, ये संस्कृत किया हुआ है लेकिन गुजराती में है कि गुजराती ना गौरव थी आ धरा बनी नंदनवन, अभिनंदन गुजरात तने अभिनंदन, वेद काल थी वहे निरंतर ज्ञान भक्ति नी धारा। ये वेद काल से, जैसे कि लोथल का बताया, ऋग्वेद के ऐतरीय ब्राह्मण में भी उसका उल्लेख आता है, वल्लभी वॉज अ बिग सीट ऑफ लर्निंग, सिद्धपुर वॉज वेरी बिग सीट ऑफ लर्निंग। सो ये सब बताते हुए मुझे बहुत बड़ा गौरव होता है कि गुजरात की इतनी परंपराएं है, सौराष्ट्र की एक परंपरा है जहां डांग के आदिवासी है, और सूरत है जहां इतना बड़ा इतिहास है सूरत का आज भी, और आज तो मॉडर्न भी है। तो अहमदाबाद अहमदशाह के सामने कैसे हमारे लोगों ने अपनी संस्कृति बचा रखी, जैसे कि भद्रकाली अहमदाबाद की जो लक्ष्मी है उसका कैसे वो हमारी लक्ष्मी बाहर ना जाए, इसलिए भद्रकाली का एक बड़ा मंदिर किले के दरवाजे पे ही,
जिसको हम भद्र का दरवाजा कहते हैं। तो ये सब देर आर सो मेनी स्टोरीज, उनकी बात करना तो बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन आज जो बात करनी है गुजराती जीनियस, तो मैं एक मोटा मोटा उसका एनालिसिस करता हूं। तो देर आर थ्री स्टेजेस 1865 to 1965, वो 100 था जब इतना बड़े पैगामे पैगामे पर लोग नहीं गए, लेकिन तो भी गए, अपना एक बहुत बड़ा पोर्ट था केम्बे गुजरात का, खंभात से एक कांजी वो साउथ अफ्रीका गया था, अमेरिका में भी लोग गए थे कोलंबस को, तो एक्चुअली तो गुजराती गुजरात आना था लेकिन वो अमेरिका चला गया। दो दिन पहले मैंने कविता लिखी है, मैंने इसमें लिखा है कि हम वो समय के कोलंबस है कि इस हमें भूल नहीं करनी है, हमारी दिशा बराबर रहेगी, हम गुजरात में जाना चाहते हैं, क्योंकि गुजरात की एक गुजरात के लोगों का एक विशेषता ये है कि जहां जाते हैं डॉक्टर, अभी मैं गुजराती जीनियस की बात करता हूं जिसका नाम है गणपत भाई पटेल। गणपत भाई पटेल को आप मिलो तो यू विल रियलाइज के हाउ गुजरातीज कैन नो मेक देयर ड्रीम्स ट्रू, कितना हार्ड वर्क किया है इस आदमी ने, छोटे गांव से आते हैं, उनके पिताजी और भाई एक खेडूत थे, किसान थे, गरीब थे, बहुत गरीब थे, और पढ़ाई उन्होंने जूनागढ़ में की, विवेकानंद स्कूल, वो तो हमेशा बताते उनका जी जन्मदिन 12 जनवरी है, बोले आई शेयर द कॉमन बर्थडे एंड ऑल्सो आई वॉज स्टडीड इन ए विवेकानंद स्कूल इन जूनागढ़। बाद में वो अहमदाबाद आते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं और अमेरिका जाते हैं। अमेरिका जाते हैं तब उनके जेब में ओनली $11, खाऊ कहां, क्या करूं, इसकी बड़ी अनिश्चितता होते हुए भी एक साहस की जो चीज है गुजरातियों में, खास करके पटेल लोग जो होते हैं, उनका मैं आपको गुजराती में एक मैंने एक प्रोवर्ब बनाया है जिसको जेने गणित आवड़े पर गणतरी ना आवड़े, ले दे मैथमेटिक्स बट दे विल नॉट कैलकुलेट व्हेन इट कम्स टू हॉस्पिटैलिटी, व्हेन इट कम्स टू सोशल वर्क, व्हेन इट कम्स टू एजुकेशनल वर्क, व्हेन इट कम्स टू पेट्रियोटिज्म, राष्ट्र की अगर कुछ काम करना है तो पटेल को आप बोलो तो कोई भी पटेल तैयार हो जाएगा कि यस भारतवर्ष के लिए सनातन धर्म के लिए आप बताइए हम काम करें। तो गणपत भाई बहुत बड़ा संघर्ष करके पढ़े, उनकी वाइफ बहुत पढ़ी नहीं थी, देहात में थी, तो वो तो यहाँ रहे और वहां जाके पढ़े, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग किया, लोग ने उन्होंने बोरो किए पैसे, पहला जब स्मॉल आई एम जस्ट ब्रीफली टेलिंग, पहले जब उन्होंने एक इलेक्ट्रिक शॉप, एक इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन यूनिट शुरू किया अपने गैरेज में, छोटा घर था, छोटी गैरेज थी, वहां शुरू किया, धीरे धीरे इतना बड़ा कि चेरोस्की जैसा बड़ा जो नाम है उसका मालिक उनके साथ गणपत भाई को ले गया। गणपत भाई एक बार उनके एम्प्लॉय थे, बाद में ऐसा हुआ कि गणपत भाई तो जो भी गुजराती होता है ना वो ही इज नॉट मेंट फॉर सर्विस, नौकरी में बहुत नहीं टिकेगा, उनको नौकरी करना नहीं भाता है, वो बोले कि मैं अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस करूंगा। तो ये बिजनेस किया, इतना बड़ा काम किया कि जो बॉब वॉज हिज बॉस वंस, ही सेड कि आई वुड लाइक टू सर्व अंडर यू, तो उनका बॉस को भी रखा, लेकिन वो कि मेरे और उनके रिलेशन इतने कोल्डियर रहे कि ही हैज नेवर अलाउड हिम टू फील के ही इज सबॉर्डिनेट। आज भी आप गणपत भाई को मिलो
तो यू विल नॉट फील के ही इज सच अ ग्रेट मैन. ही इज वेरी सिंपल, वेरी डाउन टू अर्थ. और मैं बताना चाहता हूं कि उनको एक एक तमन्ना थी कि मेरे वतन को मैं कैसे मदद करूं. हर गुजराती की ऐसी तमन्ना रहती है. जहां भी गुजराती होते हैं, हम कविता में बोलते हैं, ज्या ज्या वसे एक गुजराती, त्या त्या सदा काल गुजरात. गुजराती जहां भी जाता है वो इच्छा करता है कि मैं गुजरात में वापस जाऊं और गुजरात में मेरे गांव में कुछ करूं, मेरे मेरे डिस्ट्रिक्ट में कुछ करूं, मेरे स्टेट में कुछ करूं. तो आप आइए गुजरात और देखे, गांव गांव में सब चीजें है. लेकिन गणपत भाई इज वन पर्सन एंड आई विल टेल विथ ग्रेट प्राउड दैट इफ देर इज वन यूनिवर्सिटी विच इज नेम्ड आफ्टर अ लिविंग लेजेंड हु इज अभी अभी जिंदा है, वो है गणपत भाई. देर इज अ गणपत यूनिवर्सिटी नियर मेहसाणा. एंड सच अ बिग यूनिवर्सिटी, सच अ मॉडर्न यूनिवर्सिटी विच हैज बीन अवॉर्डेड ऑलमोस्ट एवरी वीक ही दिस यूनिवर्सिटी गेट सम अवॉर्ड, प्लेसमेंट के लिए, वैज्ञानिक संशोधन के लिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए, इवन संघ का कोई काम हो तो भी. दो तीन मीटिंग हमने रखी थी, भारत विकास परिषद का कार्यक्रम रखा था, HSSF का रखा था. और हमने जब भारत HSSF ने मुझे प्रकृति दायित्व नेशनल कन्वीनर के रूप में दिया था, तब भी गणपत यूनिवर्सिटी वॉज फर्स्ट फोर, आगे रहेंगे, फ्रंट रनर रहेंगे और विक्रम करते हैं. तो ये गणपत भाई इनका स्वप्न कैसे उन्होंने किया. उन्होंने, उनके एक दोस्त थे, वो भी एजुकेटेड, अनिल पटेल, हु वाज द इंडस्ट्रीज मिनिस्टर व्हेन नरेंद्र भाई वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात. 1965 में फार्मेसी करके वो भी अमेरिका गए, वो भी पढ़ के आए और यहां आकर इंडस्ट्री शुरू की. इंडस्ट्री में बहुत सक्सेसफुल रहे और उन्होंने, गणपत भाई और दोनों की साथ दोस्ती हुई, दोनों ने तय किया कि वी शुड गिव बैक समथिंग. तो गणपत भाई ने बोला, अनिल भाई आप जमीन खरीदे और मैं पैसा लाऊ, आप बोलो जो भी जितने भी पैसे चाहिए. एंड डू यू नो, आज गणपत भाई का डोनेशन इन एजुकेशन फील्ड इज मोर देन 100 crores. He is giving so much money for education only. So not for any other things. Everything should be productive and everything should be for the future. Samaj, samaj utkarshay, samaj utkarshay vidya. Vidya, vidya se samaj ka utkarsh hona chahiye. Aisa sutra diya hai Ganpat bhai. To Ganpat bhai 75 years के हुए है, but he works 18 to 20 hours. Walks, मैं जब जाता हूं, मेरे दोस्त तो हम साथ में रहते हैं, एक बार मॉर्निंग वॉक में हम निकले. He is a billionaire, very big respected person in California. वो अपने यूनिवर्सिटी के कैंपस में चलते हैं तो क्या करते हैं आपको मालूम है, छोटे छोटे कचरे को पकड़ लेते हैं और नजदीक के वो डस्टर डस्टबिन में डाल देते हैं. मैंने उनको एक घंटे तक कैंपस सफाई करते हुए देखा. हम गांधी जी की बात करते हैं, हम जाने कि गांधी जी ऐसा करते थे अपने आश्रम के लिए. गणपत भी आज इस मॉडर्न एज में, एंड He is one person who is respected all over the world. में इतने लोग इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में, कदाचित अमेरिका के इतिहास में ये पहला NRI होगा जिनको एक ही दिन में वीजा, ग्रीन कार्ड और सिटीजनशिप मिला है, क्योंकि he was giving a secret defense equipments. तो अमेरिका सरकार ने सोचा कि भाई इतना बड़ा आदमी
वो फॉरेन सिटीजन हो ऐसा नहीं चल सकता है, उनको सिटीजनशिप दे दीजिए, एक ही दिन में दे दिया। तो ऐसे गणपत भाई जब काम करते हैं, मैंने देखा कि ही इज ऑलवेज इन प्लान्स, नो हाउ टू डू, हाउ टू गिव बैक टू अवर स्टूडेंट्स। तो कछुआ करके उन्होंने एक स्टार्टअप को बहुत महत्व दिया कि अपने बच्चों को पढ़ाए, आप ऑनलाइन पढ़ाए। देखो ये 3 साल से कछुआ का चल रहा है, तो आज जब लॉकडाउन हुआ तो गणपति यूनिवर्सिटी वॉज नेवर क्लोज्ड, गणपति यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन पढ़ने के लिए बच्चों को इतने तैयार किए हैं, इतने तैयार किए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में मैकेनिकल सिविल सब लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब नरेंद्र भाई बोल रहे थे कि 41 पोर्ट्स की पॉसिबिलिटी है गुजरात में, और लोथल की उल्लेख किया लोथल के लिए, और तो गणपत भाई ने इमीडिएटली पिकअप द सब्जेक्ट एंड मरीन टेक्नोलॉजी के लिए इंस्टीट्यूट शुरू किया। मरीन टेक्नोलॉजी के लिए कैसे एजुकेशन दिया जाता है, तो उन्होंने बड़ा एक शिप बनाया है यूनिवर्सिटी में, और जो मरीन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स है वो वहां पढ़ सकते हैं। दूसरे का जो लोग जाते हैं ना, आज आप बाइडन का सुनो, एड्रेस टू नेशन था प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट द न्यू प्लान फॉर अमेरिका, जो उन्होंने $20 billion का जो बात किया, इसमें मेन बात क्या था, हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, हाउ टू क्रिएट जॉब्स। तो नरेंद्र भाई ने यहां कौशल्य और स्किल डेवलपमेंट की बात की, तो गणपत भाई यहां थे कि बोले हम कुछ करना चाहिए हमें, तो उन्होंने जापानी लोगों से बात की, और जापानी मारुति का यहां आ रहा था बड़ा प्लांट। तो इसके पहले लोग जापानीज टेक्नोलॉजी के लिए तैयार हो जाए, इसके लिए मेरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे, मेरे गुजरात के बच्चे, मेरे भारत के बच्चे तैयार हो, इसके लिए उन्होंने एक जिम किया। जिम हम जिस तरह से जानते हैं, ये गणपत भाई की व्याख्या अलग होती है। गणपत भाई ने बोले जिम में हम जापानीज इंस्ट्रूमेंटल जो है उनका मैकेनिक्स से, जापानीज का वर्क कल्चर अलग है, उनके मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अलग है। एक ही बात बताओ तो मैं जापानीज मैनेजमेंट पढ़ा हूं, इसलिए जापानीज से दैट कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू फिगर। सो व्हेन आई वाज सेक्रेटरी, इफ यू आस्क ए ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट में, अगर कलेक्टर से बात करते हो, कलेक्टर बोलेगा सर हम तो बहुत बिजी रहते हैं। तो हमने बोला बिजी का मतलब क्या होता है, हाउ मेनी विजिटर्स, कन्वर्ट इट इनटू फिगर्स, कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू फिगर्स। बोले हमारा बहुत प्रोटोकॉल में बहुत टाइम जाता है, बहुत टाइम जाता है मींस कितना होता है, महीने में 30 घंटा जाता है, 40 घंटा जाता है, वीक में कितना जाता है, क्वांटिफाई। तो ये जापानीज वे ऑफ लुकिंग एट प्रोजेक्ट्स हमारे बच्चों में डेवलप हो, इसलिए गणपत भाई ने एक बहुत बड़ा जिम खड़ा करा किया और जापानी स्टैंडर्ड्स को बुलाया, तैयार कर रहे हैं। और मारुति का जब प्रोजेक्ट यहाँ उत्तर गुजरात में बनेगा तो इनसे 5,000 लोग तो वहां जाएंगे, लेकिन गणपत भाई का ड्रीम है 30,000 यूथ टू बी ट्रेन फॉर जापानीज मैनेजमेंट एंड जापानीज टेक्नोलॉजी। बोले ये पूर्व का है, वेस्टर्न नहीं है, ईस्टर्न है, तो ईस्टर्न माइंडसेट विल बी मोर कॉम्पिटिबल विथ ईस्टर्न थिंकिंग। तो ऐसे विजनरी गणपत भाई इज अ जीनियस गुजराती, ही हैज बीन अवॉर्डेड पद्मश्री बिकॉज मोदी साहब हैज सीन हाउ द इंस्टीट्यूट हैज कम अप। इवन आई हैव विटनेस फॉर लास्ट 10-15 ईयर्स, आई एम गोइंग रेगुलरली एंड सीइंग देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू। He is talking to brain scientists, he is talking to all biosphere and genetic engineering and whatever is happening in US, he brings many scientists here. अच्छा, उन्होंने एक दूसरा किया कि
ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप किया। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के जो प्राध्यापक है वो गणपत यूनिवर्सिटी में आके बैठते हैं और पढ़ाते हैं। ये गुजराती जीनियस है, केवल बिजनेस नहीं करना है। मैंने कैलिफोर्निया जो उनका कैलिफोर्निया में बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, वो कैलिफोर्निया पॉलिटेक्निक कहा जाता था। जब उनका सम्मान था तो मैं कैलिफोर्निया में था, मेरा लेक्चर था वहाँ लॉस एंजलिस में भगवद गीता पर, तो मैं उनका कार्यक्रम मैंने अटेंड किया। तो उन्होंने बोला कि जहाँ वो एक बार गरीबी के कारण एक सफाई कर्मी थे, ही वॉज अ जैनेटर, ही वॉज क्लींसिंग द फ्लोर ऑफ द कैलिफोर्निया पॉलिटेक्निक, कैलिफोर्निया के गवर्नर के हाथ से इस बार हमारे जैसे पद्मश्री होता है इतना बड़ा सम्मान किया। तो हम लोग हाजिर थे और इस तरह से अमेरिका के वैज्ञानिक उनका उनका उनकी प्रशंसा कर रहे थे कि द मैन हु हैज शोन अस हाउ टू डेवलप आवर ड्रीम एंड देन रियलाइज इट, दिस इज द मैन हु वांट्स टू सर्व हिज मदरलैंड, दिस इज द मैन who wants to take science from laboratory to land, from laboratory to the emerging new generation. This एक गणपत भाई का genius है। और गणपत भाई का क्या, इसका secret क्या है? गणपत भाई के पास बहुत बड़ा family तो है, but उनकी तीन daughters है। गणपत भाई बताते हैं, जब बताते बोलते, मैंने एक प्रश्न उनको पूछा था एक बार कि आपको ऐसे उदारता कैसे आई आपके मन में, बोला कि और वो he was crying, oh, his mother, he said एक भली भाली की एक स्त्री के पास से, मेरे मदर के पास से मैं सीखा हूं ये सब कि दो there is a pleasure in giving, how it translates to the DNA. उनकी लड़की जब उन्होंने पूरा फैमिली का मीटिंग बुलाया कि बोले कि भाई अनिल भाई के साथ मेरी बात हुई है और वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए यूनिवर्सिटी और आई वन करोड़ रुपीज, इमीडिएटली why 1 crore, you have 3 lakshmi, it's not 1 lakshmi, तो गिव 3 crores, तो इनिशियली दिया। और एवरी ईयर ही हैज ब्रॉट सो मेनी एक्सपर्ट्स फ्रॉम यूएस एंड फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ओनली यूएस, आई हैव मेट पीपल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, फ्रॉम इंग्लैंड, फ्रॉम फ्रांस, फ्रॉम इजराइल एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया। अभी बोल रहे हैं कि एंशियंट विजडम का कुछ करो, भगवद गीता का कुछ करो। मैंने गीता दिन था लास्ट 25 दिसंबर को, तो मैं गीता पर लेक्चर दिया तो गणपत भाई ने सुना, तो गणपत भाई बोले यार ये भगवत गीता तो हमारे बच्चों को सिखाना चाहिए, आईआईटी और एमआईटी और जहां भी हमारे बच्चे जाते हैं उनको मालूम तो होना चाहिए भारत क्या है। तो गणपत भाई के मन में ये संस्कृति की भी प्रीति है कि भारत की संस्कृति का संवर्धन हो, ये सब भी होना चाहिए लेकिन साइंस के साथ होना चाहिए, खाली गौरव नहीं, हमें यहाँ करना चाहिए, हमें इंटेल करना चाहिए, हम इतने बुद्धिशाली है तो हमारा यहाँ भी कुछ होना चाहिए, आज वर्तमान काल में होना चाहिए। पुरातन के लिए हमें गौरव है लेकिन वर्तमान में बहुत परिश्रम करना है, टेक्नोलॉजी लाना है और वी शुड बी मॉडर्न, ये मन ऐसे काम कर रहे हैं। जितनी बात करे वो तो लंबी चलेगी लेकिन मैं शॉर्ट में मैंने बताया। एक दूसरे जीनियस है जो जीनोम प्रोजेक्ट पर अमेरिका में बहुत बड़ा नाम है, ही इज अ साइंटिस्ट एंड हिज नेम इज डॉक्टर दिनेश ओ शाह, सिंपल पर्सन, ही इज नाउ 83 एंड स्टेइंग इन फ्लोरिडा ऑरलैंडो एंड यूनिवर्सिटी में उनका इतना सम्मान जीनोम प्रोजेक्ट में उन्होंने किया। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि गुजरात के जो लोग हैं वहां जाके व्यापार करते हैं, रवि जी ने बहुत बड़ा
अच्छी तरह से बताया कि मॉटेल और पटेल्स आर नोन एज पोर्टेंट्स, ये तो है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बहुत है, लेकिन साइंस में और हम प्रोजेक्ट जो आज कोड ब्रेकर जो बुक है वाल्टर इसांचक जिसने स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी लिखी, उन्होंने अभी जीनोम प्रोजेक्ट में कोड ब्रेकर ऐसा करके एक प्राध्यापिका का जीवन वृतांत लिखा है। तो इस प्रोजेक्ट में, ऐसे प्रोजेक्ट में अपना नाम, अपना काम करके बड़ा नाम दिया, उन्होंने पीएचडी किए, पीएचडी के गाइड हुए यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में, बट ही ब्रॉट नैनो टेक्नोलॉजी टू इंडिया, टू धर्मसिंह देसाई यूनिवर्सिटी इन नडियाद इन सेंट्रल गुजरात। तो सेंट्रल आज डीडीयू का इतना महत्व है और वहां नैनो टेक्नोलॉजी का एक पूरा डिपार्टमेंट किया और सब उनके वहां का इतना लग्जूरियस लाइफ छोड़कर दिनेश ओसा यहाँ आके 3 महीने 4 महीने 6 महीने आके पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स के साथ रहते हैं, कैसे रिसर्च करना है, रिसर्च के लिए होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, रिसर्च लैब कैसी होनी चाहिए, रिसर्च के लिए रिसोर्सेज में सबसे बड़ी चीज होती है लाइब्रेरी, साइटेशंस। और हमेशा बोलते हैं दिनेश ओशा को मैं जब मिलता हूँ तो, क्योंकि वो हमारे कवि भी है, तो वो हमेशा बोलते हैं कि रिसर्च में सबसे क्या जो बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर होती है वो है माइंड। गुजरातियों का और इंडियंस का माइंड रिसर्च ओरिएंटेड हो, हमारी आरएनडी में बिल्कुल हम पैसे नहीं देते हैं, हमारे बजट में कोई भी कंपनी के बजट में आरएनडी का इतना बजट नहीं होता है। तो उन्होंने बोला कि ये आपको करना पड़ेगा और इसी कारण हम बहुत बड़ा काम कर सके हैं। और दिनेश भाई बहुत बड़े कवि है, दिनेश भाई को भी बहुत इम्पोर्टेंट प्राइजेस मिले हैं साइंस में। वो सबसे एक बात बना के मैं मेरी बात समाप्त करूंगा, वो बताते हैं वहां गुजराती भाषा के लिए गुजराती फेस्टिवल करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा, और कवि को गुजरात से बुलाते हैं। 2018 में मैं आई वॉज इन्वाइटेड एज ए डिस्टिंग्विश्ड इंडियन पोएट, तो मैंने जाके वहां 3 दिन का फेस्टिवल, 3 दिन मेरे भी लेक्चर थे और वहां के कवियों के भी थी, वहां वेस्टर्न फिलोसोफर्स को भी मैं मिला। मैं एक दिन भगवद गीता पर बोला, एक दिन भारतीय संस्कृति पर बोला, गुजराती भाषा पर बोला, और एक दिन मेरी कविताएं का पाठ किया। तो ये दिनेश ओशा साइंस के इतने बड़े वैज्ञानिक होते हुए भी उन्होंने गुजराती भाषा का बहुत बड़ी सेवा की, और उनकी अभी बायोग्राफी आ रही है, उनका नाम है परब। परब मीन्स प्याऊ नो, जहां से पानी दिया जाता है। तो बोले कि मुझे जिसको ज्ञान लेना है उसको ज्ञान का पानी देना है, ऐसे ऐसे। तो इतने जीनियस है गुजराती, आई नो सो मैनी, आई मेट सो मैनी पीपल, एंड आई थिंक जब भी आगे आगे बात होगी तो मैं और ज्यादा डिटेल्स के साथ बताऊंगा। अमेरिका का मुझे बहुत परिचय है क्योंकि हर सिटी में मेरे मित्र है, मैंने सभी जगह भगवद गीता, श्री कृष्ण और मेरे काव्य पाठ किया है पूरे अमेरिका में, तो मैं बता सकता हूँ। और जो क्वालिटी गुजराती के, जहां भी जाते हैं वहां के हो जाते हैं, जहां भी जाते हैं वहां का एटमोस्फियर, वहां के रीत रिवाज सीख लेते हैं, और जितेंद्र हो तो जैक भी बनाते हैं, और बिजनेस में कैसे आगे बढ़ना उनकी एक बड़ी टेक्निक होती है, वो भी बात करेंगे जब जब, और मैं भी रिसर्च करूंगा अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी है तो, इट इज अ ग्रेट थिंग। मैं अभी तो निवृत्त हूँ, पूर्णकालीन अभ्यास मेरा विषय है, मैं भगवद गीता में अभी पोस्ट कोविड वर्ल्ड में हाउ भगवद गीता विल बी हेल्पफुल, उनके पर मैं काम कर रहा हूँ। अमेरिका के कई प्राध्यापकों के साथ हर रोज कुछ न कुछ होता है। तो गुजराती जीनियस के बारे में बोलना मेरे लिए बहुत, इट्स लाइक होम पिच। तो आज तो थोड़ा कम बोला क्योंकि
20 मिनट की अवधि थी, लेकिन ज्यादा समय लिया क्योंकि महेश जी का थोड़ा समय मुझे दान दिया गया है ऐसा मैंने प्रिज्यूम कर लिया। जगन्नाथ जी, मैंने मान लिया कि आपने मुझे समय दान दिया है, तो इट्स ग्रेट प्लेजर और हम मिलते रहेंगे इस। और रवि जी, आपको पुनः पुनः मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ, जगन्नाथ जी की भी सराहना करता हूँ कि ऐसे उपक्रम में ये दो गुजराती महात्माओं का बात बताने की एक अपॉर्चुनिटी मिली। और हम अगले समय में आप बताएंगे तो हम और ज्यादा गणपत भाई के बारे में तो बताएंगे, लेकिन देर आर सो मेनी इन एवरी सिटी। आई नो ह्यूस्टन, आई नो डेट्रॉइट, हाउ दी डॉक्टर्स, देर आर सो मेनी वी कैन से, एंड पूरा इंडिया का फिजिशियंस का एक बहुत बड़ा कैलिफोर्निया में एसोसिएशन है। मैंने वहां भगवद गीता का लेक्चर दिया था 2018 में, तो इतने डॉक्टर्स आए थे और एंड मोस्ट ऑफ देम आर गुजरातीस। सो आई थिंक इट्स अ बिग माइंड। सो आपने हमें बहुत बड़ी तक दी है कि इस दृष्टि से भी हमें देखना चाहिए अमेरिका को या गुजराती प्रजा को कि कैसे ये लोग कुछ कर पाए, क्योंकि उनके जीवन से एक प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलता है विच वी कैन डिस्ट्रीब्यूट फॉर द फ्यूचर जनरेशन। सो थैंक यू वेरी मच। जय जय गरवी गुजरात। और आज गुजरात दिन के इस समारोह में मुझे सम्मिल होने का, और मेरी कविता में मैंने लिखा है कि कंप्यूटर में कृष्ण निहाड़े गरबे अंबा रमती, देश विदेशे वेबसाइट मां गुजराती विस्तरती, समूह जीवन मां वेचे सौने केवा मीठा स्पंदन, अभिनंदन गुजरात तने अभिनंदन, गुजराती ना गौरव थी आधरा बनी नंदनवन, गुजराती ना गौरव थी आधरा बनी नंदनवन। जय जय गरवी गुजरात। जय जय गरवी गुजरात। जय गुजरात। हम आपको बार बार बुलाएंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद भागेश भाई, आज फिर से वाणी का लाभ मिला और वी आर थैंकफुल टू यू फॉर दिस। आई एम नाउ रिक्वेस्टिंग श्री विजय भाई पटेल, मैं विजय भाई पटेल को बुलाना चाहूंगा क्वेश्चन आंसर सेशन लेने के लिए। श्री विजय भाई, किसी के मन में कुछ भी प्रश्न है इस विषय को लेके तो आप विजय भाई पटेल से परामर्श करके सबको पूछ सकते हैं। श्री विजय भाई, विजय भाई तुम्हारा परिचय आप ही दो। नमस्कार, सबसे पहले तो आज के अपने इस गुजरात गौरव दिवस के अवसर पर आप सभी गुणीजनों को हार्दिक नमस्कार, आप सभी गुणीजनों को हार्दिक नमस्कार, और आशा करता हूं कि सभी के परिवारजन स्वस्थ होंगे ही और हम सभी किसी ना किसी प्रकार के सेवा कार्य में लगे ही होंगे। तो उस नाते आज के जो गौरव दिवस है, हमारे बीच में तीन विशिष्ट वक्तागण महानुभाव ने इतनी व्यापक और एक जेने कहवाय के ऊंडाईनी वातो करी छे जीनियस गुजरातीओ विषे, अने गुजरातना भूतकाळ वर्तमान काळ अने भविष्य माटे नी जे आशाओ आपणा सामे राखी छे एने लईने आपणा मनमां कोई जिज्ञासा होय, कोई प्रश्न होय अथवा कोई विषय ऊपर आपणे वधारे प्रकार और श्रीमान रवि जी को हम अपने प्रश्न या जिज्ञासा रख सकते हैं। अभी हमारे बीच में शायद नरेश भाई कुछ पूछना चाहते हैं, मैं देखता हूँ एक बार क्या पूछते हैं। एक परिचय कराना है, तुम्हारा परिचय पण करी दो। एक मिनट, हमारे बीच में डॉक्टर राम निवास आए हैं, वो संघ के बहुत वरिष्ठ प्रचारक है बर्मा में, म्यांमा में, और उनका विषय संस्कृत है। वो भारत में 17 साल रहकर उन्होंने हाई स्कूल किया, एमए किया, पीएचडी किया, रामायण में पीएचडी किया, संस्कृत में पीएचडी किया,
और वहाँ के बुद्ध भिक्षुओं को जो भारत में आके पढ़ना चाहते हैं उन सबको संस्कृत सिखाते भी है और संघ के प्रचारक है, वहाँ के बड़े बड़े सारे नेताओं को वो पर्सनली भी जानते हैं। रामनिवास जी, आपका चेहरा दिखाई देगा तो अच्छा लगेगा सबको। हम सभी का सौभाग्य है कि आज श्रीमान रामनिवास जी हमारे साथ में है, और ये वास्तव में गुजरात गौरव दिवस ही नहीं कहेंगे, वास्तव में भारत गौरव भी हम कहते हैं, क्योंकि जब हम ब्रह्मा की बात करते हैं तो वो अखंड भारत का हिस्सा रहा है, ये हम अच्छे से जानते हैं। और अगर हम स्वतंत्रता 1947 से पहले के 4-5 वर्ष की बात करें तो बर्मा का अपना इतिहास है, और इसलिए आज हम सभी के लिए सौभाग्य है कि हमारे बीच में है। सबसे बातचीत करना चाहे तो रखिए जी। सबसे बड़ी बात है कि हमें भी गर्व है कि विजय भाई रूपाणी का जन्म भी यही हुआ था बर्मा में जी, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं आज वर्तमान में। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ उनका जन्म बर्मा में हुआ। अरे अच्छा, बहुत अच्छा। बाकी जी हाँ, अभी किसी को कुछ पूछना है बताना है? परेश भाई पाठक, एनी क्वेश्चंस? हमारे बीच में और एक प्रचारिका है माधुरी मराठे, वो अखिल भारतीय स्तर पर सेविका समिति में काम करती है। माधुरी बहन, आपका भी जरा कैमरा ऑन करेंगे तो, और दो शब्द आप बताएंगे तो सबको अच्छा लगेगा। नमस्कार, बहुत ही अच्छी जानकारी अभी अभी प्राप्त हुई है, सुनकर बहुत अच्छा लगा। आगे संपर्क करूंगी कुछ और जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो आप अपना चेहरा कैमरा, बहुत ही अच्छा रहा जी। कैमरा ऑन कर सकते हैं क्या? कैमरा बंद करके रखा आपने? नहीं नहीं, ऑन है लेकिन वो चाल ठीक है, कोई चिंता नहीं। अभी आप किस शहर से बोल रहे हैं? मैं नागपुर में हूँ अभी। हाँ अच्छा, अभी दिखाई दे रहा है। ओहो, बहुत सीनियर सेविका समिति के प्रचारिका है। अच्छा, माधुरी बहन आपका स्वागत है, अपनी बात रखिए। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील डॉक्टर कैलाश नाथ पिल्ले केरल से भी आए हैं, कोरोना के कारण वो केरल में चले गए, लेकिन वरना दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के जज है, लॉयर है सॉरी। कैलाश नाथ जी, जस्ट से हेलो टू एवरीवन देयर। यहाँ मुझे तो दिखाई दे रहा है, थोड़ा हाथ हिला दीजिए और नमस्ते कर लीजिए तो मालूम पड़ेगा। नमस्ते टू ऑल नॉइस। हाँ नमस्ते टू ऑल, आई एम वेरी हैप्पी टू जॉइन दिस function. I have heard a good speech. I can understand and read Hindi, but I cannot so spontaneously speak Hindi. That is why I am speaking a few words. And the genius of Gujarat is accommodative. It accommodates genius from other parts. I remember Shankaracharya came there, and at Dwaraka, one of the mutts was established, and anybody having genius will be accommodated and accepted. And we have the history of Amul Cooperative Society, where Mr. Kurian came from Kerala. And in Kerala also, we have a good, sizable group of persons from enterprising entrepreneurs from Gujarat. I know the taste of Gujarat also. When my mentor in Bharatiya Janata Party, O.P. Kohliji, was governor of Gujarat, I had the good fortune to visit Gujarat some 2-3 times. After visiting Kohliji and sharing the business, we used to come out and go to an ice cream shop where the best ice cream I have ever had in my life. And there is a bell hanging in front of that shop. Those who like it and loved it should make the bell ring. And we did it. And so my memories of Gujarat is so. The genius of Gujarat is multi-sided, multifarious, and it is the best contributory to the genius of Bharat. Thank you, Jai Hind. You should remember that Bhagavad Gita only, was given only by Gujarat. I stop.
Bhagavad Gita was given by a Gujarati because Sri Krishna came from Dwarka to Kurukshetra. He did not go from Mathura, he went from Dwarka. जी बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा. अभी और अपनी बात रखना चाहे I think Mr. Naresh Chavda wants to say something. धन्यवाद एवरीवन. नरेश चावड़ा फ्रॉम टोरंटो. आई वर्किंग विद मेनी लाइक एज अ वॉलंटियर विद मेनी ऑर्गेनाइजेशन. हमने यहाँ पे गुजरात पब्लिक अफेयर काउंसिल ऑफ कैनेडा जीपैक करके एक एसोसिएशन शुरू किया था 2016 में. तो इंटेंशन इज टू लाइक यू नो कई बार बोलते हैं कि पर्टिकुलर हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे सोशल मेरा और बौद्धिक स्ट्रेंथ और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ गुजराती है, लेकिन जो फोर्थ पिलर है पॉलिटिकल स्ट्रेंथ नहीं थी. तो उसी को ध्यान में रख के लाइक गुजरात पब्लिक अफेयर काउंसिल ऑफ कनाडा हमने स्थापित किया था. मैं एक बात रवि जी ने कहा उससे मैं उनके उनके बात में इको कहना चाहूंगा कि कई बार बोलते हैं कि जो डिफेंस है और या ओनली गुजराती या व्यापारी. तो मैं तीन उदाहरण शॉर्ट में दूंगा. एक वनराज चावड़ा करके अपना पहला किंग हुआ गुजरात का 8वीं सदी में. ही क्रिएट द फर्स्ट नेवी ऑफ गुजरात स्टेट एक्चुअली. एंड यू डोंट बिलीव अप टू लाइक अरब सागर में अप टू सऊदी अरेबिया और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो ये बोलते हैं कि समुद्र में जो लुटारे होते हैं उनको वहां तक उन्होंने खदेड़ दिया था. सेम वे आपने हमीर सिंह गोहिल का नाम सुना होगा जिसकी हजारों की संख्या में ही सिर्फ आर्मी थी और लाखों इसके बाद थी 10 times मोर द आर्मी ऑफ अफगानी किंग हु केम टू यू नो डिस्ट्रॉय द सोमनाथ टेम्पल एंड हाउ ही फाइट. एंड इसीलिए अभी सोमनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा से पहले हमीर सिंह गोहिल की प्रतिमा की आरती होती है. और ऐसे ही अभी आप जैसे एक मैं खुद यहाँ इमिग्रेशन लॉ की प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं कई बार यहाँ के एक हमारी कॉन्फ्रेंस में कहता हूँ कि द इमिग्रेंट हाउ टू बी इंक्लूसिव. इट्स अ बेस्ट एग्जाम्पल इज अ संजान बंदर किंग वो गेव अलाउ लाइक मेनी पारसीज बिफोर लाइक सेंचुरी एंड दे ऑल आर देयर. एंड अभी हम देख रहे हैं कि कई बार अपने रतन टाटा जी और बहुत सारे जो अजीम प्रेम जी दे आर ऑल द फ्रॉम द सेम पारसी कम्युनिटी. सो हाउ दे सेलिब्रेट सो दैट्स ऑल आर गुड एग्जाम्पल ऑफ लाइक इंक्लूसिवनेस डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव साइड व्हेन एवर नीडेड. जैसे रवि जी ने बोला कि हमें वेद भी रखना है और हमें हथियार भी रखना है. तो इस वन एग्जांपल आई वांट टू से नरेश भाई ने अपना परिचय कम किया. मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा. टाइम्स ऑफ इंडिया ने 2018 में एक आर्टिकल लिखा था नरेश भाई के बारे में, ए कैनेडाज मैन फॉर ऑल सीजन. जब वहां के प्राइम मिनिस्टर यहाँ आने वाले थे और उन्होंने पूरा 65 लोगों के डेलीगेशन के लिए पूरा काम करके कनाडा से एक बड़ा डेलीगेशन यहाँ पे आए, उसके लिए काम किया था. इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, बट ये मेंशन करना जरूरी था कि नरेश भाई के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा था ही इज अ मैन ऑफ सीजन. मतलब उनका जो प्रभाव क्षेत्र है कनाडा के पॉलिटिक्स के ऊपर के वहाँ के डायस्पोरा जो है उसके ऊपर वो बहुत बड़ा है. उन्होंने छोटे में बात कर दी. उन्होंने इंडो कैनेडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भी वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं अभी, और इमिग्रेशन कंसल्टेंट उन्होंने बताया. तो मैं उस पर ऐड करना चाहता था तो इसीलिए मैंने ये नरेश भाई के बारे में बताया. अभी आगे का पड़ाव मैं नरेश भाई को ही बोलूंगा कि वोट ऑफ थैंक्स सभी को करे इस कार्यक्रम के. अभी जो भी आए हैं जी उनको एक एक शब्द बोलने दीजिए, अपना परिचय भी दे दे जी. हाँ, एक एक लाइन में जल्दी से बताइए ताकि टाइम भी हो गया है. सौरभ दवे अपना आप परिचय दीजिए, कहाँ से आए हैं इतना बताइए, क्या व्यापार करते हैं. सौरभ दवे के बाद रवि कुशवाहा. वो तो हो गया. प्रकाश करानी. सौरभ भाई तुम्हारा वीडियो ऑन करो. सौरभ भाई तुम्हारा वीडियो ऑन करो. हाँ सर, ऑडिबल है वीडियो ऑन है. हाँ जी, नहीं वीडियो ऑन नहीं है. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ दवे है. मैं कंप्यूटर में PhD हूँ और साथ में गुजरात में स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने का काम कर रहा हूँ अभी. और अभी तक हमने करीबन 22,000 बच्चों को स्टार्टअप एंड इनोवेशन के साथ जुड़ा है.
मैं गणपत यूनिवर्सिटी में स्टार्टअप एंड इंक्यूबेशन सेंटर के डीन का दायित्व रखता हूँ और साथ में कंप्यूटर साइंस में मेरे रिसर्च चलते हैं, तो आई हैव कंट्रीब्यूटेड माई रिसर्च इन द फील्ड ऑफ आरोग्य एंड हाँ जी मॉड्यूल्स में मेरे रिसर्च को यूज किया गया है सर, और काफी अच्छा लगा इस प्रोग्राम को अटेंड करते हुए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव था और भाग्यश सर को सुनना, इट्स ऑलवेज अ प्लीजेंट लिसनिंग। मैं गणपत भाई साहब का पर्सनल असिस्टेंट भी हूँ, तो जो भाग्यश झा साहब ने जो भी सारी चीजें बताई इन माय लाइफ स्पेन ऑफ वन डेकेड वर्किंग विथ हिम, आई हैव पर्सनली विटनेस हिज great contribution towards the country and the state. Thank you everyone for listening. Dr. Nandlal Singh. Dr. Nandlal Singh ke baad mein Asha Ram Narayan. Ji namaste sir. Ha main Asha Dave Surat se. I'm ex-secretary Chamber of Commerce Surat and I was president with the South Gujarat Productivity Council. Bhagesh sir ka... Please open your video. Just a minute. Is it okay? Baad mein prakash karana hoga. Bhagesh sir ji ko sunke, Bhagesh sir ji ko sunke bahut achha laga. Sir, main aapko apni university mein bhi invite karna chahti hoon. और रवि जी से रिक्वेस्ट है और जगन्नाथ जी से रिक्वेस्ट है कि इस तरह का प्रोग्राम हम अगर हमारे स्टूडेंट्स के लिए रखें तो उनको हमारे इतिहास के बारे में और हमारे जो ऐसे जीनियस हैं जो आज प्रेजेंट है, गणपत जी का एक बार मैंने भी वेबिनार में उनको सुना था, ही इज एक्सीलेंट, सो अगर हमारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता चलेगा तो वो मोटिवेट होंगे और कुछ लेवल तक वहां तक पहुंचने का प्रयत्न करेंगे। So thank you very much to be part of the webinar. आपका कैमरा थोड़ा टिल्ट कीजिए क्योंकि आपका केवल आंख दिख रहा है, चेहरा नहीं दिख रहा है। प्रकाश करानी, प्रकाश भाई नहीं अभी चला गया। हाँ अभी ठीक है। हाँ वो क्या थोड़ा डिले होता है, ठीक है दिखाई दे रहा। हाँ हाँ प्रकाश भाई, प्रकाश करानी नहीं है, विजय पटेल हो गया है, तो किसी का रह गया क्या, सबका हो गया? हाँ ठीक है अभी आगे चलाइए। देवांग भाई, विजय भाई आप क्या कर रहे हैं, आपका परिचय, परेश भाई पाठक आपका परिचय दीजिए, व्यवसाय में क्या है थोड़ा परिचय दे दीजिए। जनता के नाते कार्यरत हूँ, दिल्ली में भौतिकी शास्त्र यानी फिजिक्स का बेसिक रिसर्च के लिए एक पार्टिकल की एक रिसर्च फैसिलिटी है जिसका पूर्व में नाम था न्यूक्लियर साइंस सेंटर नाभिकीय विज्ञान केंद्र, और फिर पोखरण ब्लास्ट के बाद हमारे संस्थान पर भी पाबंदी लग गई थी, उसके बाद फिर हमने परिवर्तन किया है इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर। वर्तमान में पिछले 5 वर्षों से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर अध्ययन चल रहा है और उसके अंतर्गत अंडमान और नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर और तो इसका भी अध्ययन और भ्रमण, और इस वर्ष नेताजी 125 के अवसर पर तो सहयोग डॉक्टर नंदलाल सिंह, परिचय हो गया क्या नंदलाल सिंह? नहीं हुआ। हाँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर नंदलाल सिंह थोड़ा बोलिए अपने बारे में, और प्रकाश भाई करानी। चलो फिर अभी आगे चलिए,
कुछ टेक्निकल कारण से नहीं जुड़ रहा है। वोटर थैंक्स मैं नरेश जी को प्रार्थना करूंगा कि वोट ऑफ थैंक्स। धन्यवाद देवांग जी, देवांग भाई। सो आज के गुजरात जीनियर्स और गुजरात दिवस उत्सव की इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सब उपस्थित रहे, उसके लिए सबका जो उपस्थित रहे उनका धन्यवाद। पर्टिकुलर रवि कुमार जी अपने संघ के प्रचारक, महेश गिरी जी जो स्पीकर थे अपने, और भाग्यश झा जी, उन्होंने अपना कीमती वक्त देके हम सबको एनलाइट किया, उसके लिए उन सबका धन्यवाद। अपनी गुजरात जीनियर्स टीम की जो पूरी टीम है जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने में इतने वीक से कपल ऑफ वीक से वो एक्टिव थे, जगन्नाथ जी और उनकी टीम, उन सबका धन्यवाद। और सभी अटेंडीज और व्यूअर, लाइक यू नो अभी एक कोरोना काल में इस प्रोग्राम को अभी ऑनलाइन भी प्रस्तुत किया गया है, तो बाद में भी ज्वाइंट होंगे, उन सबको मेरी तरफ से धन्यवाद है। इसको मैं एक जैसे बोलते हैं कि व्हाई वी इस हम इस गुजरात गौरव दिवस में जुड़े हुए हैं, उसका एक रीजन है। जैसे इंग्लिश में एक सेज है कि आर्ट इज अ एजलेस, कल्चर इज अ बॉर्डरलेस एंड वैल्यू आर टाइमलेस। ऐसे ही चीजों को फॉलो करके हम आज जुड़े हुए हैं कि एक विपरीत परिस्थिति है, फिर भी जो हमें उसमें भी एक संयम रख के जो सही चीजें और अच्छी चीजें करनी चाहिए जिससे ही प्रोत्साहन मिलता है, तो आप सबका धन्यवाद इसके लिए। अगला कब होगा जगन्नाथ जी? कुंज बिहार कल का, कल मराठी जीनियस का है, फिर हम एवरी मंथ एक इस प्रकार की प्रोग्राम आयोजन करेंगे, और उसके कोर टीम जो है गुजराती जीनियस कोर टीम, और नरेश भाई कनाडा अमेरिका के साथ भी वहां के लोगों को जोड़ेंगे, और हर महीने इस प्रकार की हम लोग इतिहास पर और व्यापार पर कला पर हम लोग करेंगे प्रोग्राम। वो 5 तारीख आता है शनिवार, पहला शनिवार अगले साल। रवि जी ये मीटिंग कर लेंगे कोर टीम में, फिर वो सब एजेंडा तय करेंगे। ओके, अभी कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में मैं जगन्नाथ जी को प्रार्थना करूंगा कि शांति मंत्र से ये कार्यक्रम का समापन करें, और अगले महीने हम सब फिर से मिलेंगे ऐसी आशा करता हूं। अब जगन्नाथ जी। देवांग भाई आचार्य धन्यवाद। देवांग भाई आचार्य का परिचय भी रह गया है। देवांग भाई आचार्य अपने गुजरात प्रांत के साहित्य का काम देख रहे और बहुत सारे कार्य में वो लिप्त है, और खुद ही बिजनेस मैन है। और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विद्वान भाई आचार्य, आपने जितने मेहनत किए इसके लिए। शांति मंत्र। पूर्णस्य पूर्णमाधाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी का खूब बहुत बहुत धन्यवाद। भागेश जी बाद में आपसे बात करना चाहता हूँ मैं। बागेश भाई अपने गुजराती जीनियस में सक्रिय भूमिका, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, जो वर्ल्ड में जितने फॉरेनर है और भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं, उसके बारे में मुख्यतः बागेश भाई रहेंगे उसमें संस्कृत जीनियस में। ठीक है। भागेश भाई जी की पुस्तकें कहीं अवेलेबल है क्या? है। कहां पर मिलेंगी? अहमदाबाद मिलेगी, अहमदाबाद पे मिलेगी, ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन मिलेगी। कुछ पुस्तकों के नाम, पुस्तकों के नाम कुछ जानकारी मिल सकती है जी? सूची जी। आप म्यूटेड है, आपको माइक 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 गूगल में सर्च करेंगे। मेरे गुजराती में है, गुजराती में मेरे 7 पुस्तक है, और मेरे कई मेरी एक भाग्यश झा नाम की एक चैनल भी है यूट्यूब की, और मैं दूसरे प्रांत में भी अभी काम करना चाहता हूं। हम बात करेंगे कि क्या करना चाहिए भगवत गीता के लिए या हिंदू संस्कृति सनातन संस्कृति के लिए, तो विल टॉक जरूर जी। जी धन्यवाद।
कार्यक्रम पूर्ण थाय छे। नरेश भाई वहां धर्मेश भाई ढोलकिया उनको भी बोलिए। तो मैंने भेजा था आज, लेकिन आज हमारी यहाँ संघ की एक बैठक थी अभी, तो बैठक थी। अच्छा, तो भेजा था मैंने। हमने और कुछ भावेश पटेल, भावेश पटेल टोरंटो में एचएसएस में छे। हाँ अच्छा अच्छा हाँ। दूसरा एक कार्यकर्ता, पहले वो कनाडा में था, सक्रिय था बहुत, फिर वो अभी कर्णावती आ गया है, जानते हो? वो भी एक पटेल ही है। गोपाल भाई अभी वहीं पे है, कनाडा में है, हमने साथ में लंबा काम किया। नरेंद्र जी का परिचय बाकी है। हाँ हमारे बीच में नरेंद्र, हाँ नरेंद्र प्लीज कैमरा ऑन कर लेना। आप आईआईटी चेन्नई से इंजीनियर बने, फिर नौकरी के, ये तो सेकंड जनरेशन संघ के कार्यकर्ता है, और इनका विशेष है कि बिग डेटा एनालिसिस, तो डेटा मैट्रिक्स या डेटा एनालिस्ट है ये, जो आजकल बहुत मायने रखता है डेटा माइनिंग। तो और फिर इन दिनों में इनके मार्गदर्शन में तमिल जीनियस चल रहा है हर 15 दिन में एक बार, तेलुगु जीनियस चल रहा है महीने में एक बार, फिर गुजराती जीनियस, फिर मराठी जीनियस, आगे चलकर वो और भी कई जीनियस को खोद के निकालने वाले हैं। इसके अलावा फार्मा में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ऐसे कई विषयों को लेकर कई दुनिया के बड़े बड़े तज्ञों को, यूनाइटेड नेशन के अधिकारियों के साथ सब संपर्क बनाकर भारत को आत्मनिर्भर करना है, विश्व गुरु बनाना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे सुबह से रात तक कुछ ना कुछ वेबिनार में ये डिमांड में रहते हैं। नहीं, जो भी रवि जी का आज्ञा है उसके लिए हम जितना समय हम दे सकते हैं उतना दे रहे हैं। तो अभी लगभग 62 ग्रुप है अलग अलग विषयों में। आज भी हुआ था एक WTO के में हिंदुस्तान का क्या स्टैंड होना चाहिए और ये वैक्सीनेशन की स्थिति में, और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, हाउ टू मेक वैक्सीनेशन वाइड स्प्रेड मैन्युफैक्चरिंग, उस विषय में काम शुरू हुआ है। और भाग्य से भागेश झा है ना, इनके पास भी बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स है, क्योंकि अहमदाबाद इज ऑल्सो वर्ल्ड कैपिटल फॉर फार्मेसी, बिग फार्मा कैपिटल, हैदराबाद, तो कुछ हो सकेगा तो बाद में उनसे बात करते हैं, या विल डिस्कस, वी शुड डिस्कस सर। रवि जी ओके, नमस्कार जी, जगन्नाथ जी, नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार, नमस्कार। रिकॉर्डिंग बंद कर दे।